मनुवादी परंपराओं में सबसे महान राज्य रामराज को बताया गया है और सबसे महान राजा राम को बताया गया है। लेकिन इस रामराज्य में लोगों का मूल कर्तव्य वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना था। वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही रामराज्य का मूल कर्तव्य था। यानी शूद्र अतिशूद्र द्विजों की सेवा करेंगे, यानी जो लोग उच्च वर्ण से हैं नीच वर्ण वाले लोग उनकी आजीवन सेवा करेंगे। यदि कोई इसका उल्लंघन करता था तो स्वयं राजा राम उसका वध कर देते थे। जैसा कि शंभुक ऋषि ने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की थी, उन्होंने थोड़ा सा सिर्फ ज्ञान अर्जित ही किया था, तो राजा राम ने रामराज का उल्लंघन करने के आरोप में उनका स्वयं वध कर दिया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका राज्य सचमुच न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए था और जिन्होंने वर्ण व्यवस्था एवं इस पर आधारित भेदभाव को ध्वस्त करने में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। एक ऐसे ही राजा थे जिनका नाम था साहूजी महाराज। साहूजी महाराज जिन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में करीबन 90% आबादी को उन सभी अभिशापों से मुक्त कराने के लिए ऐसे ठोस निर्णायक उपाय किए जो अभिशाप उनके ऊपर सदियों से जाति व्यवस्था ने लाद रखे थे। साहूजी महाराज की एक ख्याति ये भी है कि वो छत्रपति साहूजी महाराज के वंश परंपरा से थे। साहूजी महाराज 2 जुलाई 1894 को कोल्हापुर राज्य के राजा बने। राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ना शुरू कर दिया था। 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में साहूजी महाराज ने वो कार्य कर दिखाया जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साहूजी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दलित और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिलने वाला पहला आरक्षण था। इसी कारण साहूजी महाराज को आधुनिक भारत का आरक्षण के जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि कोल्हापुर राज्य में ब्राह्मणों की आबादी करीबन 3-4% के बीच में थी, लेकिन शासन प्रशासन के पदों पर और शिक्षा पर उनकी हिस्सेदारी करीबन 70-80% के बीच में थी। 1994 में जब साहूजी महाराज राजा बने थे तब सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी मौजूद थे, लेकिन साहूजी महाराज के निर्देश पर 1902 में अन्य जातियों के लिए 50% आरक्षण लागू हुआ। 20 वर्षों में स्थिति ऐसी बदल गई कि 1922 में सामान्य प्रशासन के कुल 85 पदों में से 59 पदों पर गैर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त किए गए थे, यानी आधे से ज्यादा SC ST OBC वर्ग को सरकारी पदों पर लिया गया था। साहूजी महाराज द्वारा आरक्षण लागू करने का उद्देश्य न्याय एवं समानता आधारित समाज का निर्माण करना था। तो बस आज के लिए इतना ही काफी था, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और चलते चलते आप सबके लिए कुछ मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि रामराज्य में जन कल्याण के लिए कौन सा कार्य आपको सबसे बेस्ट लगा और रामराज्य में क्या परिवर्तन हुआ था हमारे समाज में, हमारे देश में। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि रामराज्य में जन कल्याण के लिए राम जी ने क्या कार्य किए थे।